ये है आपका रिएक्शन क्वेश्चन। ये क्या है? रिएक्शन क्वेश्चन। ये क्या है? रिएक्शन क्वेश्चन। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये रिएक्शन क्वेश्चन होता क्या है, ये रिएक्शन क्वेश्चन होता क्या है? तो बेटा मेरा, हमको सबसे पहले यही सीखना है कि रिएक्शन क्वेश्चन आप कैसे निकाल सकते हो। बिलीव मी, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ठीक है, ध्यान से सुन लो, है ना, ठीक है, मेरी बात यार ध्यान से सुन लीजिए, मेरी बात यार साइड प्लीज, ठीक है साइड हो जाता हूँ, ये देख लो एक बार, देख लो एक बार, चलो पहले आराम से देख लीजिए, देख लो बेटा, देख लो आराम से, देख लो आराम से, देख लो। अब हमको बस जो फोकस रखना है ना, पूरा ध्यान जो रखना है वो रखना है बेटा कि रिएक्शन क्वेश्चन सीख जाओ आप। आपको अब क्या आना चाहिए? रिएक्शन क्वेश्चन आना चाहिए, रिएक्शन क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और एक बार रिएक्शन क्वेश्चन आ गया तो फिर आप क्या नर्स्ट इक्वेशन में चैंपियन बन जाओगे, बिल्कुल चैंपियन बन जाओगे। अब हम लोग फोकस करते हैं रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकालना है, ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकालना है। सुनो 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 सुनो, ठीक है, अब सुनो रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकालना है। ये हम करेंगे, वैसे तो बेटा ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम की होती हैं, लेकिन यहां पे हम ट्रिक की हेल्प से हमारा काम कर लेंगे, ट्रिक की हेल्प से हमारा काम कर लेंगे। कहीं पे भी बेटा अगर आपको सॉलिड दिखे ना, उसको क्या कर देना, इग्नोर, उसको लेना ही नहीं, ध्यान यहां लगाना, ध्यान यहां लगाना आप, है ना, ध्यान यहां लगाना। सॉलिड कहीं पे भी दिखे इग्नोर करो, इलेक्ट्रॉन अगर आपको कहीं पे भी दिखते हैं इक्वेशन में, उन्हें क्या करोगे, इग्नोर करोगे। कहीं पे भी बेटा एक्वस फॉर्म दिखती है आपको, कहीं पे भी एक्वस फॉर्म अगर आपको दिखती है तो आप उसकी क्या लोगे, कॉन्सेंट्रेशन लोगे। एक्वस फॉर्म की आप क्या लोगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लोगे। अगर कहीं पे भी गैशियस फॉर्म दिखता है तो उसका क्या लोगे, पार्शल प्रेशर। ध्यान यहां लगाना, क्योंकि एक बार रिएक्शन क्वेश्चन आ गया ना तो नर्स्ट इक्वेशन में चैंपियन बन जाओगे, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन में चैंपियन बन जाओगे। यहां पे देखो, यहां पे देखिए, सॉलिड को इग्नोर करोगे, इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करोगे, एक्वस सॉल्यूशन किसका लोगे, कॉन्सेंट्रेशन का, और गैशियस सॉल्यूशन आप, गैशियस अगर कहीं पे लिखा है तो वहां पे क्या लोगे, पार्शियल प्रेशर लोगे। अब यार कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता है आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, तो अब ध्यान से यहां सुनो, आपको रिएक्शन क्वेश्चन मेरे को लिख के दिखाना है। यहां देखिए, यहां देखो, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है, देखो यहां पे देखो, 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 इसका मुझे रिएक्शन क्वेश्चन लिख के दिखाना है। तो रिएक्शन क्वेश्चन हमेशा कैसे लिखना है आपको, क्यू से रिप्रेजेंट करना है, ऊपर लिखने हैं बेटा प्रोडक्ट, नीचे लिखने हैं बेटा रिएक्टेंट। रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन क्वेश्चन इसका क्या लिखना, प्रोडक्ट बेटा कौन है, क्या कॉपर प्लस टू है, सॉरी जिंक प्लस टू है, हाँ सर है, बिल्कुल है, कौन सी फॉर्म में, एक्वस में, तो एक्वस में होता है तो बेटा उसकी क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, तो यहां पे जिंक प्लस टू की क्या ले लो, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है सर ले ली, ठीक है सर ले ली। यहां पे कॉपर सॉलिड है, हाँ सर है, तो इस कॉपर सॉलिड को बेटा क्या करते हो, इग्नोर करते हो, तो कॉपर सॉलिड लिखो ही मत, कॉपर सॉलिड लिखो ही मत, ठीक है सर। क्या आपने दोनों के दोनों प्रोडक्ट को देख लिया, बिल्कुल देख लिया। अब क्या मैं रिएक्टेंट लिखूं, डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, रिएक्टेंट लिखूंगा, रिएक्टेंट में कौन है, जिंक सॉलिड है, लिखूंगा क्या उसको, नहीं, सॉलिड इग्नोर, टाटा बाय बाय, निकलो बेटा घर निकलो, सॉलिड और इलेक्ट्रॉन को बोलो बेटा तुम घर निकलो, ठीक है, ठीक है। कॉपर प्लस टू एक्वस, एक्वस में है तो बेटा उसकी क्या लूंगा, कॉन्सेंट्रेशन, क्या ले लो, कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो, ये आ गया, देख लो क्यों निकालना आया, अभी देखो और आएगा, अभी ले रहे अभी है ना, और क्वेश्चन ले रहे, शांति से पहले सुनना है, शांति से सुनना है। किसी को अगर इक्विलिब्रियम आता है तो वो उसके लिए बहुत आसान है, किसी को नहीं आता है तो उसको मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, ये क्लियर हुई है, ये क्लियर हुई है, ठीक है। एक और इक्वेशन, एक और इक्वेशन, ठीक है, एक और इक्वेशन, चलो इसका लिखो, इसका लिखो, इसके लिखिए,
हाँ स्पैमर्स आते हैं यार, ये देखो ये ऑनलाइन का है ना, ये आप लोग बेटा 2 सालों में इतना तो सीख जाना चाहिए आप लोगों को कि ये चीज होती ही होती है ना। स्पैमर्स आते ही आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन पैसा देता है, क्या मोटिवेटेड हैं ये, कोई